काशी की एक नवविवाहिता ने सोमवार को व्हाट्सएप पर एक सुसाइड नोट भेजा। इस मैसेज में उसने पति और ससुराल वालों पर टॉर्चर करने का आरोप लगाते हुए उन्हें ही खुद की मौत का जिम्मेदार बताया। लिखा है कि उसकी लाश को हरिद्वार में गंगा नदी से बरामद कर लिया जाए। जानकारी के मुताबिक वाराणसी के रहने वाली निष्ठा सिंह ने नवंबर 2016 में दिल्ली की बिजली विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पंकज गुप्ता से लव मैरिज की थी। 18 जून को वह अपने घर से लापता हो गई। परिजनों ने इंदिरापुरम थाने में गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान निष्ठा ने व्हाट्सएप पर अपने किसी फ्रेंड को एक मैसेज भेजकर हरिद्वार में गंगा में कूदकर सुसाइड करने की बात कही। इस मैसेज के बाद पुलिस ने सूचना दी गई। दिल्ली पुलिस ने तुरंत हरिद्वार पुलिस से कॉन्टैक्ट किया और निष्ठा की तलाश में जुट गई। निष्ठा ने व्हाट्सएप पर सेंड किए गए सुसाइड मैसेज में लिखा है, डियर ऑल, मेरी तरफ से सबको बाय, ये मेरा आखिरी मैसेज है। मैं पंकज गुप्ता और उनके परिवार की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो मुझे मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं और अब तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने मुझे इस कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मैं कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं हूँ। पिछले 2 महीने से इसी उम्मीद में हूँ कि शायद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मुझे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आती। एक तरफ मैं अपनी ज़िंदगी से निराश हूँ, दूसरी तरफ जब मैं अपने परिवार वालों के परेशान चेहरे देखती हूँ तो उसे बहुत दुख होता है। इंसाफ पाने के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें कर ली, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। मुझे उम्मीद है कि मेरी मौत के बाद ऐसा हो सकेगा, मेरी लाश को हरिद्वार में गंगा नदी से बरामद कर लिया जाए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।